न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हर किसी की नजर टीम इंडिया के ओपनर पर रहने वाली है, क्योंकि ना तो शिखर धवन और ना ही रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई बड़ी पारी खेल पाए हैं। ऐसे में क्या टीम इंडिया के गब्बर और हिटमैन का कीवियों के खिलाफ कमाल देखने को मिलेगा? गब्बर हिटमैन की विराट कसम। Through the offside, stand up. Finds the gap. कीवियों के खिलाफ बनाया हल्ला बोल प्लान। लंका ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड को धोने की है बारी। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अपने बल्ले से हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। वनडे क्रिकेट में दो डबल सेंचुरी लगा चुके रोहित का हल्ला बोल प्लान क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि केन विलियमसन एंड कंपनी के खिलाफ रोहित शर्मा क्यों बड़े स्कोर जड़ने का लक्ष्य बना रहे हैं। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 वनडे की 13 पारियों में मात्र 29.91 की औसत से 359 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। पहले 10 वनडे क्रिकेट में दो दोहरे शतक जड़ चुके रोहित शर्मा अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहते हैं। रोहित, पहले मुझे ये बताओ, मैं तो आपको सबसे बड़ा प्लेयर मानता हूँ इंडिया का। यही वजह है कि रोहित ने कीवियों के खिलाफ खास प्लानिंग की है, ताकि वर्ल्ड क्रिकेट के साथ कीवी टीम में भी हिटमैन का खौफ कायम हो सके। Rohit Sharma brings up a century with a six, number 14. It's been great fun watching him back. सिर्फ रोहित ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के दूसरे ओपनर शिखर धवन भी कीवियों के खिलाफ अपने बल्ले से आग उगलना चाहते हैं। अच्छी शुरुआत की और फिर आउट हुए। कीवियों के खिलाफ शिखर धवन ने 4 मैच में मात्र 20.25 की औसत से 81 रन बनाए। दुनिया में लगभग हर टीम के खिलाफ शतक जड़ चुके शिखर धवन इस वक्त अपने शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा गब्बर को घरेलू सरजमी में खेलने का भी फायदा मिलेगा। शिखर धवन के नाम दूसरा शतक 84 का। ये दूसरे खिलाड़ियों में इंडिया के। ऐसे में धवन न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से बड़ी पारी अपने नाम करना चाहते हैं। अगर टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी अपने प्लान को मैदान पर अमल करने में सफल रही तो फिर कीवियों के खिलाफ टीम इंडिया की जीत पक्की है, क्योंकि जब जब इनका बल्ला चलता है तब तब हिंदुस्तान की जीत की 100% गारंटी होती है। वैसे भी दिवाली के बाद रोहित के साथ धवन की नजर नई ओपनिंग पर है, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से मुंबई में होगी, जब न्यूजीलैंड और टीम इंडिया आमने सामने होगी। अंकन कर न्यूज 24। और अब बात विराट कोहली की। दिवाली से पहले विराट कोहली ने एक मैसेज दिया था। विराट को उम्मीद थी कि शायद लोग उनकी बात मानेंगे और पटाखों को ना कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ विराट की दिवाली बिन पटाखे वाली शानदार रही। लोगों ने नहीं मानी विराट कोहली की बात। काश कोहली के संदेश पर गौर करते, काश लोग दिवाली पर कान बंद करने के लिए मजबूर नहीं करते। काश लोग दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने दिवाली से ठीक पहले देश के लोगों के लिए एक मैसेज दिया था। आप देख सकते हैं कि विराट कोहली पटाखों की गूंज से अपने कान बंद कर रहे हैं। दरअसल विराट कोहली अपने इस वीडियो मैसेज से ये कहना चाह रहे थे कि इस बार दिवाली पर लोग पटाखे ना चलाएं। लेकिन न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने खूब पटाखे छोड़े।
नतीजा प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में तो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा रखी है, लेकिन तब भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। भले ही विराट कोहली जैसे बल्लेबाज मैदान पर बल्ले से धूल उड़ाते रहते हैं, विराट को क्रिकेट फैंस का शोर भी पसंद है। लेकिन विराट कोहली के साथ टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों ने भी पटाखों से अपनी दुनिया बना ली। तभी तो धोनी जैसे खिलाड़ी जो किसी समय जमकर आतिशबाजी करते थे, वो इस बार पटाखे चलाने की बजाय देवरी माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे। जबकि विराट कोहली ने अपने परिवार के साथ दिल्ली में कुछ इस तरह से दिवाली को सेलिब्रेट किया। देखिए कैसे अपने माँ, भाई, भाभी और भतीजे के साथ विराट कोहली खुश नजर आ रहे हैं। काफी समय बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाने का मौका मिला था, जिसका विराट कोहली जैसे क्रिकेटर ने जमकर लुत्फ उठाया। अब बारी धमाका करने की, लेकिन पटाखों से नहीं, बल्ले और गेंद से। 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया वनडे और टी ट्वेंटी सीरीज के लिए स्पोर्ट्स ब्यूरो न्यूज 24। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में फिर से कैसे टीम इंडिया नंबर वन के मिशन पर होगी, आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए क्रिकेट हाउस बोल। ब्रेक के बाद क्रिकेट हाउस बोल में आगे बढ़ते हैं। 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टीम इंडिया वनडे में नंबर वन बनी थी, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को नंबर वन से खिसका दिया है। ऐसे में विराट की कोशिश होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर नंबर वन का ताज हासिल किया जाए। मुंबई वनडे से पहले टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। न सिर्फ टीम रैंकिंग बल्कि विराट ने भी गंवाई बादशाहत। वैसे तो भारतीय टीम हर मुकाबला जीतने के इरादे से ही मैदान पर उतरती है, लेकिन कीवियों के खिलाफ मुंबई वनडे में कोहली के विराट सेना न सिर्फ जीत के लिए बल्कि वनडे रैंकिंग में एक बार फिर से बादशाहत हासिल करने के लिए मैदान पर उतरेगी। ताजा जारी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया दूसरे स्थान पर खिसक गई है। दक्षिण अफ्रीका 120 रेटिंग और 6244 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है, तो वही भारत 120 रेटिंग और 5993 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गया है। न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि वनडे में बल्लेबाजों के रैंकिंग में भी भारतीय कप्तान विराट कोहली को नुकसान हुआ है। विराट कोहली 877 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। विराट की जगह दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स ने ले ली है। 889 रेटिंग के साथ डिविलियर्स पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। वनडे क्रिकेट में बादशाहत हासिल करने के लिए भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ हर हाल में पहला वनडे जीतना होगा। अगर टीम इंडिया मुंबई वनडे जीत जाती है तो भारत 121 रेटिंग के साथ फिर से नंबर वन बन जाएगा। साथ ही अगर टीम इंडिया को लंबे समय तक वनडे क्रिकेट का बॉस बना रहना है तो फिर तीन वनडे मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करना बहुत जरूरी है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज इसलिए जरूरी हो चुकी है क्योंकि वनडे में बल्लेबाजों का बादशाह बनने के लिए उन्हें बल्ले से रन बरसाने होंगे और उम्मीद के विराट समेत पूरी भारतीय टीम अपने पूरे दमखम से किसी टीम का सामना करेगी और फिर से वनडे क्रिकेट में अपने बादशाह हासिल करने में कामयाब होगी। क्रिकेट हाउस बुल में आज बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। आगे देखिए हिमालय में हर हर हिंदुस्तान।